Hello, my dear friends, and welcome back to KS Educational. 200 best selected MCQ for your IBPS Clerk Mains, and today we are in fourth part. मैं फिफ्थ पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और उसमें आप लोगों को 500 बेस्ट सेलेक्टेड एमसीक्यू जुलाई से लेकर दिसंबर तक का प्रोवाइड किया जाएगा और ये बिल्कुल आप लोगों का रिवीजन क्लास रहेगा। और उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन लेवल है वो बहुत पीक पे होना चाहिए और हर एक एमसीक्यू का जवाब आप लोगों को उस दिन देना होगा। और मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लोग जो 500 का सेलेक्टेड एमसीक्यू का सेशन रहेगा, आप लोग हर एक क्वेश्चन का उस दिन जवाब देने वाले हैं और देंगे भी, राइट। तो आज के लिए सेशन में क्या क्वेश्चन रखा गया है, आगे बढ़ते हैं। मैं उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस को उतना ही वेटेज दे रहे होंगे, उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे जितना आप जनरल अवेयरनेस को दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को 40+ स्कोर करना है देन यू आर सपोज टू अटेम्प्ट ऑल द क्विजेस, बिकॉज दिस ऑल क्विजेस आर टोटली बेस्ड अपॉन द एग्जाम पैटर्न। और वेबसाइट का एड्रेस आपको गिवन है, बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ पे क्विक रिवीजन देना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे जाइए, डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को 1500 बेस्ट सेलेक्टेड एमसीक्यू रखा गया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। बेस्ट सेलेक्टेड भी नहीं आप बोल सकते हैं, हर एक एमसीक्यू आप लोगों का हर एक मंथ से प्रोवाइड किया गया है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आज का पहला सेशन देखे क्या है। सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि यस बैंक के द्वारा म्यूचुअल फंड बिजनेस चालू किया गया था, लेकिन क्वेश्चन में आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है। हेडक्वार्टर आई थिंक सो सबको आप लोगों को मालूम होगा यस बैंक का, लेकिन देखिए आप लोगों को क्या याद रखना है। यस बैंक के द्वारा जो म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उस म्यूचुअल फंड बिजनेस का आपका नाम क्या था? उसका नाम था यस असेट मैनेजमेंट, ठीक है, यस असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, दैट इज YAMIL। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपका हेडक्वार्टर कहां है? ये हेडक्वार्टर आपका मुंबई है। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक लैब लॉन्च्ड इन डैस, ये आपका कहां? गुजरात में हुआ है। कौन सा ऐसा फर्म है जिसे बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर द EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड LIG दैट इज लो इनकम ग्रुप कैटेगरी के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन है? SDFC है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, जो आपका ये थीम रखा गया था, वो थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो थीम आपका क्या था? रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। कौन सा ऐसा फर्म है जो TCS को क्रॉस कर गया है वैल्यूड फर्म बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज MCAP, ये आपका कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई हरियाली ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? आई हरियाली ऐप आपका पंजाब के द्वारा लाया गया है। किस स्टेट में एक स्पेशल टर्मरिक सेल सेटअप किया जाना है टू इंप्रूव द करक्यूमिन केमिकल, ये आपका किस स्टेट में हो रहा है? तेलंगाना है आपका। मुथैत मुला स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है टू ऑफर माइक्रो लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ये आपका किसके द्वारा चालू किया है? मुथैत मुला केरला के द्वारा चालू किया गया है। थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, कौन सा ऐसा इंडियन फिल्म है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिसे मिला है? यह फिल्म आपका न्यूटन है। लेकिन एक सवाल यहां पर रहेगा आपसे कि जो ब्रिक्स सबमिट हुआ था वो कहां पर हुआ था? एग्जैक्ट प्लेस का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2018 का इंटरनेशनल योगा डे जो हुआ था उसके लिए थीम क्या रखा गया था? योगा फॉर पीस। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा एक सेटअप किया जाएगा इंटर यूनिवर्सिटी योगा सेंटर एट स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान पे, इसका जो आप लोगों का जगह है वो जगह का नाम बताना है, किस जगह पर ये हो रहा है। तो ये जो आपका स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान है ये बेंगलुरु में है और बेंगलुरु में ही इंटर यूनिवर्सिटी योगा सेंटर आपका संस्थापित किया जाएगा। इंडिया और यूएस के बीच 2+2 जो डायलॉग हुआ था वो कहां पर हुआ था? ये आपका कहां? न्यू दिल्ली में हुआ था। लेकिन एक सवाल ला, इससे पहले सेशन में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था इंडिया और यूएस के बीच ये 2+2 डायलॉग होता है, मुझे ये बताना है आप लोगों को कि 2+2 डायलॉग किस कंट्री के साथ और हम लोग करते हैं। टोटल ऐसा दो कंट्री है, किस कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग किया जाता है, ये मुझे कमेंट करके आप बताइएगा।
कौन सा ऐसा बैंक है जिसे 60th पोजीशन मिला था ब्रांड जेड टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रैंकिंग में। ये बैंक आपका कौन है? एचडीएफसी बैंक है। मंगोलिया में ऑयल रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, पहला ऑयल रिफाइनरी है ये, और ये किसकी किस कंट्री के द्वारा फंड किया जा रहा है? ये इंडिया के द्वारा आपका फंड किया जा रहा है। उस सिटी का आपको नाम बताना है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट में पहला स्पॉट, फर्स्ट प्लेस आपका था, पहला स्थान प्राप्त किया था, वो सिटी आपका कौन है? इंदौर है। फोर्थ आरबीआई डिप्टी गवर्नर किसे लाया गया था, मतलब आपका नाम क्या है फोर्थ डिप्टी गवर्नर का? तो महेश कुमार जैन। मुझे एक बात आप लोगों को बताना है, या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अभी जो भी आपके डिप्टी गवर्नर हैं कौन कौन हैं, महेश कुमार जैन को छोड़कर और जो तीन आपके डिप्टी गवर्नर है वो कौन कौन है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडियन नेवी और किस कंट्री के बीच में होता है, और ये पहली बार ऐसा आपका एक्सरसाइज हुआ था, ये आपका किसका? इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था, कॉर्पोरेट जो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच हुआ था। फर्स्ट एवर सैटेलाइट टू टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्लीनिंग अप द स्पेस जंक दैट हैज बीन डिप्लॉयड बाय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आपका जो मतलब जो क्लीनिंग जंक के लिए आपका रखा गया था सैटेलाइट को, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? रिमूव डेब्रीज। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है ये। देखिए इंडिया ओपेंट जो खातर इमिग्रेशन चेक पोस्ट इन मिजोरम, सो दिस चेक पोस्ट हैज बीन सेट अप अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। ये आपका किस कंट्री के साथ है? ये कंट्री आपका कौन है? म्यांमार है। नेम द होम दैट ऑफर्स शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फॉर विडोज दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन वृंदावन उत्तर प्रदेश। इस जो आपका होम का नाम है, इस घर का आपका नाम क्या है? इसका नाम है कृष्णा कुटीर। फोर्थ बीमस्टेक समिट आपका कहां हुआ था? दैट इज बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन कहां पर हुआ था? ये आपका काठमांडू नेपाल में हुआ था। और अगर इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपका थीम क्या रखा गया था, तो आपको थीम बताना होगा टुवर्ड्स ए पीसफुल प्रोस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आपको नाम बताना है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है आरबीआई के द्वारा, वो आपका कौन है? दैट इज भिलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एसबीआई ने एमसीएलआर दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट इंक्रीज किया है बाई व्हाट परसेंट अप टू 3 ईयर। ये जो आपका इंक्रीज हुआ ये क्या है? 0.2%। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव किया गया है सिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए, जो अमाउंट है वो आपको बताना है, दैट अमाउंट इज 929.89 करोड़। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोएट टू बी इनवाइटेड टू रिकॉर्ड हिज पोएम्स एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वॉशिंगटन डीसी। और ये पहले व्यक्ति आपके कौन है? अभय के, दैट इज अभय कुमार। इंडियन बैंक एसोसिएशन दैट इज आईबीए के चेयरमैन कौन है? ये आपको नाम बताना है। दैट पर्सन इज सुनील मेहता। बट एक और क्वेश्चन आप लोगों के सर रहेगा कि सुनील मेहता अभी किस बैंक के चेयरमैन हैं? मीन टू से दैट कौन से बैंक के अभी एमडी या सीईओ हैं सुनील मेहता? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप was held in which country? किस कंट्री में आपका हुआ था? ये कहां? इंग्लैंड में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कि ये जो चैंपियनशिप हुआ था यह कौन जीता था और किसको हराया था, ये भी मुझे आप लोग बताइएगा। इंडिया जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव टू व्हाट परसेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल 2018-19। मीन आपका 2018-19 में जो आप लोगों का ग्रोथ हुआ था, जीडीपी ग्रोथ पहला क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए देखा गया था, वो सबसे हाईएस्ट था लगभग 2 सालों में, वह क्या था? ये आपका 8.2%। बहुत ज्यादा न्यूज में था, आई थिंक सो सभी को ये बात मालूम होगा। सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स दैट इज EASEMM and fifth India Asian Economic Minister, ये आपका कहां हुआ था? ये दोनों आपका सिंगापुर में हुआ था।
As per the UN World Tourism Organization, which country leads the growth in international tourism in South Asia region? ये आपका इंडिया है. एक बुक का आपको नाम बताना है, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ईयर इन ऑफिस, लॉन्च बाय पीएम मोदी. और ये आपके बुक के ऑथर कौन है, हु हैज रिटन दिस बुक? दिस बुक इज रिटन बाय वेंकैया नायडू, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडियन फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम 2018 हेल्ड इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में एशियन गेम 2018 हुआ था, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन आपका फ्लैग बियरर था? क्लोजिंग सेरेमनी में आपका रानी रामपाल था. एक क्वेश्चन यहां पर से बिल्कुल बनेगा कि जो आपना आपका ओपनिंग सेरेमनी था उसमें फ्लैग बियरर कौन थे, ये मुझे बिल्कुल आप सब बताइएगा कमेंट करके. फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य ऑफ इंडिया टू सेटल क्लेम अंडर द पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, ये पहला स्टेट आपका कौन है? हरियाणा है. इनिशिएटिव कॉल्ड मिल बेंच इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द स्टेट टू क्रिएट एजुकेशन एंड द लर्निंग अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन, ये किस स्टेट के द्वारा आपका लाया गया? यह स्टेट आपका कौन है? मध्य प्रदेश है. SBI ने इनॉग्रेट किया है ई फैसिलेशन एंड ई कॉर्नर फैसिलिटी फॉर इंडियन आर्मी वेटरन्स एट द आर्मी कॉम्प्लेक्स नियर फोर्ट विलियम यूनिवर्सिटी. फोर्ट विलियम यूनिवर्सिटी, और ये आपका कौन है? कोलकाता है. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट, ये आपका कौन है? ये आपका हरियाणा है. Which country has become the leading country in coconut production and productivity as it made huge progress in coconut cultivation from mid 2014 to 2018? ये आपका कौन है? इंडिया है. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC has adopted जगतापुर विलेज इन डैश फ्रॉम इट्स स्वच्छता अभियान. ये जगतापुर विलेज आपका कहां पर है, ये पूछा जा रहा है. ये कहां है? दिल्ली में है. LRS आपके बहुत ज्यादा न्यूज में था और मे बी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LRS? LRS का फुल फॉर्म लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है. विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड मर्जर ऑफ शिक्षा कर्मी विथ ऑल स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट? छत्तीसगढ़ के द्वारा आपका यह स्टेप लिया गया है. Government has planned to expand the BPO promotion scheme to 1 lakh seat and will also establish India's largest national data center in which city? ये आपका कहां? भोपाल में होने वाला है. 24/7 मोबाइल पॉलिशिंग सर्विस टू कंट्रोल क्राइम मेनली अगेंस्ट वीमेन किस स्टेट के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? ये आपका त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया है. एक बुक का नाम है वाटर प्रोडक्टिविटी, जो कि नितिन गडकरी के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था. लेकिन इसके आप जो ये बता सकते हैं कि वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स पब्लिश कौन किया है, ये नाबार्ड के द्वारा आपका पब्लिश किया गया है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फोन पे ने अभी अनाउंस किया दैट इट हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैब एग्रीगेटर टू एनेबल राइडर्स टू बुक राइड यूजिंग द फोन पे पेमेंट प्लेटफॉर्म, और ये कौन है आपका? ओला है. कन्या वन समृद्धि योजना रिलेटेड टू विच स्टेट वेयर इन फार्मर फैमिली वेयर द गर्ल्स चाइल्ड आर बॉर्न विल बी गिवन सैपलिंग फॉर प्लांटेशन, ये आपका महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र के द्वारा कन्या वन समृद्धि योजना चालू किया गया है. फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग में उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है जिसने पहला स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट रैंक इन दैट डेल्टा रैंकिंग, ये आपका कौन है? दाहोद इन गुजरात. द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस दैट विच कंट्री हैज वॉन ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू मोस्ट इंप्रूव्ड ज्यूरिडिक्शन अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है. यह आपका कौन है? वह कंट्री का आपको नाम बताना है, दैट कंट्री इज इंडिया. Which state was awarded for reducing maternal mortality under Prime Minister's Safe Motherhood campaign? वह स्टेट का आपको नाम बताना है. स्टेट आपका कौन है? मध्य प्रदेश है. सुरेश प्रभु के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है. That name is what? Which helps to track and trace missing and abandoned children in India. और इस आपका मोबाइल ऐप का नाम क्या है? Reunite.
head of the Committee on Digital Payment constituted by the Ministry of Finance to review the payment system in India, in the country. और ये आपके head of the जो committee के head होंगे वो कौन है? रतन पी वट्टल. Neighbourly app has been unveiled by which body? Neighbourly app, अगर आप YouTube चला रहे हैं तो Neighbourly app आपको बहुत ऐसा ad दिख रहा होगा. तो Neighbourly app आपका किसके द्वारा लाया गया है? Google के द्वारा लाया गया है. Which Indian actress has been appointed goodwill ambassador for the promotion of Nepal tourism for a term of 4 year? आपको actress का नाम बताना है and that actress is Jaya Prada. Which state has stopped the ease of living index ranking launched by the Ministry of Housing and the Urban Affairs under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut? आपका ये state Andhra Pradesh है. Which Indian airport has become the 60th busiest airport in the world, world according to the annual World Report Traffic Report, World Report Traffic Report 2018 by the Airport Council International? ठीक है, आपका ये कौन एयरपोर्ट है? That airport is Indira Gandhi International Airport, Delhi. प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल बहुत इजी नहीं है, इसके अंदर बहुत सवाल है. मींस मैं आप लोगों को लगभग टोटल रिलेटेड 3 सवाल यहां से बता दूंगा. 3 क्वेश्चंस. द गवर्नमेंट हैज मेड प्रधानमंत्री जनधन योजना एन ओपन एंडेड स्कीम एंड हैज डबल द ओवरड्राफ्ट लिमिट फॉर अकाउंट होल्डर टू डैश रुपीज. जो आपका डबल कर दिया गया है, पहले 5000 था और 5000 से बढ़ाकर ये 10000 कर दिया गया है. लेकिन दो और सवाल है. जो मैक्सिमम पहले एज लिमिट था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लेने का, वो 60 ईयर से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 65 ईयर कर दिया गया है. 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है. दूसरा ये हो गया. थर्ड एक और प्रॉब्लम है. जो आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाता था अंडर द न्यू रुपए कार्ड होल्डर, ये 1 लाख से बढ़ा के क्या 2 लाख कर दिया गया है. तो टोटल 3 यहां से क्वेश्चन ऐसा बन गया जो बिल्कुल आपके एग्जाम में दिख सकता है. फर्स्ट 5000 से 10000 कर दिया गया, मैक्सिमम एज लिमिट को बढ़ाकर 60 से 65 हो गया है, और जो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था आप नए कार्ड रुपए कार्ड के अंदर, वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है. ठीक है. For Indian Railway e-procurement system, Ministry of Rail and the Coal has launched a new mobile app. और इस मोबाइल ऐप का नाम आपका क्या है? इसका पर्पस समझ गया. e-procurement system के लिए आपूर्ति मोबाइल ऐप है आपका. Sikkim government has appointed Dash as its brand ambassador, AR Rahman. 8th edition of joint exercise that is SLINEX se dekhiye, SL stand for Sri Lanka and I stand for India. To Sri Lanka aur India ke beech mein SLINEX hota hai, between Indian army, sorry Indian navy and Sri Lankan navy. Ye aapka kahan hua tha? Ye Sri Lanka mein hi hua tha. युद्ध अभ्यास between Indian army and US army, ye kahan par hua tha? Ye Uttarakhand mein hua tha aapka. एक बुक का आपको नाम बताना है. दैट बुक इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एंड इन आइडेशनल प्रोजेक्ट रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट. इस बुक के आपके ऑथर कौन है? ऑथर कौन है आपके? विद्युत चक्रवर्ती. इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एंड इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबिलाइज योर सिटी दैट इज MYC टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन. और यह कंट्री आपका कौन है? इंडिया एंड फ्रांस है. February 2019 में 5 दिनों का एरो इंडिया शो होने वाला है. ये कहां पर होगा? ये बेंगलुरु में होगा. एक देखिए प्रॉब्लम है, एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखेगा. एज पर RBI नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल 2018, जो नया आपका अमेंडमेंट रूल 2018 में आया है, वैल्यू ऑफ द म्यूटिलेटेड नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रुपीज डिनोमिनेशन वुड हैव टू बी रिफंडेड इन फुल इफ द अनडिवाइडेड एरिया ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पीस इज -%. अगर जो आपका सिंगल लार्जेस्ट पीस है वो 80% का हुआ तो बिल्कुल फुल अमाउंट रिफंड करना होगा. दुलीप ट्रॉफी किसने जीता है? विच टीम वॉन द दुलीप ट्रॉफी? दुलीप ट्रॉफी आपका इंडियन ब्लू ने जीता है. इंडिया ब्लू. फर्स्ट बिमस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज मिलेक्स 18 कहां पर आपका हुआ था? ये पुणे में हुआ था. पुणे दैट इज इन महाराष्ट्र.
Which Indian airport will be the first to roll out facial recognition facility for the passengers of some select airlines from 2019? Aur ye pehla aapka ban gaya airport, that is Kempe Kola International Airport, means the Bangalore International Airport. Sports ambassador of Assam, that is Hima Das. Who won men's single title in US Open? देखिए US Open जो है और Wimbledon Open है, ये दोनों नोवाक के द्वारा जीता गया है. इसको ऐसे याद रखिए कि W में आपका W भी आता है और U भी आ जाता है, and that both title won by Novak Djokovic, right? तो W Wimbledon Open and US Open, ये दोनों आपका नोवाक के द्वारा जीता गया है. और अगर सवाल रहेगा कि विमेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन में किसके द्वारा जीता गया है, तो वो कौन है? नाओमी ओसाका. 13th इंडिया मंगोलिया एनुअल बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट 2018 हेल्ड इन वेयर. ये आपका मंगोलिया में ही हुआ था, दैट इज उलन बतर. मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूजन होगा यहां पर. सैमसंग हैज ओपेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर. अगर यही चीज पूछते रहता आपसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका हो जाता नोएडा, लेकिन मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर पूछा जा रहा है, तो आपका सवाल यहां पर सही आंसर क्या होगा? बेंगलुरु. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विथ विच पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग बैंक सॉल्यूशन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड वीमेन. ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ टाई अप हुआ है आपका पोस्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का. पीएम आशा अभी बहुत ज्यादा आपका न्यूज में था, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पीएम आशा को फुल फॉर्म क्या है, एंड दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. फर्स्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में आपका आया है? ये डिस्ट्रिक्ट आपका कौन है? धमतारी. Which state government will distribute 1 lakh pump set to double farmer income by 2022? ये आपका कौन है? असम है. Which state has been ranked the best among the state in India for the construction of the maximum number of the road under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY during 2017-18? और ये state आपका कौन है जिसने ये जीता है, या जिसने सबसे ज्यादा maximum number of road construct किया है? उत्तराखंड है. Human Development Index released by UNDP, that is United Nations Development Program, 189 countries में इंडिया का पोजिशन क्या है? इंडिया का पोजिशन आपका 130th है. 15th September 2018, that was celebrated as International Day of Democracy. International Day of Democracy, इस बार का आपका थीम क्या रखा गया था? थीम आपका क्या था? Democracy under strain, solutions for a changing world. First dog park has been set up in Hyderabad. Which state launched the Swachh Dhara program to provide clean drinking water across the state? Aur ye aapka Andhra Pradesh hai. Ek book ka naam aapko bataya gaya hai, that is Kasi Secret of Black Temple. Iske author kaun hai ye aapko batana hai. Iske author Vineet Bajpayee hai. International Day for the Preservation of the Ozone Layer, इसका आपका थीम क्या रखा गया था? Keep cool and carry on the Montreal Protocol. अगर आप यहां देखें, इंडिया का पोजीशन इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आउट ऑफ 160 कंट्रीज, तो इंडिया का पोजीशन आपका 127 है. किस स्टेट के पुलिस ने लॉन्च किया है EFIR और डायल FIR स्कीम टू हेल्प द सिटीजंस लॉज ए रिपोर्ट एंड FIR ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार ऐसा इंडिया में हो रहा है. यह कौन सा स्टेट के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश है. उस स्कीम का आपको नाम बताना है, इंट्रोड्यूस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर थ्रू आउट विच ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स विल ऑफर ऑन द स्पॉट रिजोल्यूशन टू द ग्रीवेंसेस एंड पेंशन होल्डर. ये आपका नाम क्या है स्कीम का? पेंशन अदालत.
पहला वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ये तो आपको पता होगा, जर्मनी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है उस कौन सा एंटिटी है, जिस एंटिटी का आपको नाम बताना है, टू ऑपरेट इट्स ऑन एनबीएफसी नेशन दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये आपका कौन है, पे यू इंडिया। एम्बेसडर ऑफ स्किल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट द स्किल इंडिया मिशन, ये आपके कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, इसके ऊपर जो मूवी है आपका सुई धागा, ये इसी के ऊपर बना है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही, तो आपका कौन हो गया, वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स इन सिंगापुर वॉन बाई दैट इज लुविस हैमिल्टन। किस स्टेट ने लॉन्च किया स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलेटरी एफर्ट्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, ये आपका उड़ीसा के द्वारा लाया गया है। इसरो टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन डैश, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, यह प्लेस आपका कौन है, त्रिपुरा है। तो एग्जैक्ट आंसर यहां क्या बन जाएगा आपका, अगरतला। डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग, ये आपका यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, ये आपका कहां पर हो रहा है, दैट इज इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड का पहला डिजिटल आर्ट म्यूजियम मोरी बिल्डिंग डिजिटल आर्ट म्यूजियम, ये आपका कहां पर है, टोक्यो में, मतलब जापान। जो आपका नया यूपीआर है दैट इज 2.0 विल गेट ए मेजर अपग्रेड ऑफ द न्यू फीचर एंड डबलिंग द ट्रांजेक्शन लिमिट टू 2 लाख रुपीज, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम बताना है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसे सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हैज डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप डैश टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इसका नाम क्या है, जीएसटी वेरीफाई। विच एंटिटी लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस COE दैट इज DSAI इन कोलेबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन बेंगलुरु, ये आपका एंटिटी का आपका नाम क्या है, दैट इज NASCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। उस हाईकोर्ट का आपको नाम बताना है जिसने अभी डिक्लेयर किया द इंटायर एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग बर्ड एंड द एक्वेटिक एनिमल एज अ लीगल एंटिटी हैविंग द राइट्स ऑफ ए लिविंग पर्सन, ये आपका कौन है, उत्तराखंड है। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये आपका अभी लॉन्च किया गया या फिर स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है, वन पर्सन वन कार पॉलिसी फॉर मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, ये आपका कौन है, वेस्ट बंगाल है। एक सवाल यहां पर मेरा रहेगा बिल्कुल आप लोगों से कि इलेक्ट्रिक कार सभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए किस स्टेट ने अभी अभी लागू किया है, मुझे बताइए आप सब कमेंट करके। Chief Minister of which state released the policy document of the 5-year jackfruit mission at Jackfruit Festival 2018? ये आपका कौन है? मेघालय। RBI के द्वारा एक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है इन राजस्थान ड्यू टू इट्स बैड पोजीशनिंग टू पे इट्स डिपॉजिटर इन फुल एंड द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक लीव्स नो स्कोप फॉर इट्स रिवाइवल्स, आपका क्या है वो बैंक का नाम, दैट इज अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। Which entity released the strategy and approach paper on the NHS that is National Health Stack terming it as the blueprint for India's futuristic digital health system, ये एंटिटी आपका कौन है, नीति आयोग है। अब देखिए ये आपका सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सैमसंग का वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री कहां है, ये आपका कहां है, नोएडा में है। एनर्जी मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च वन फार्मर वन ट्रांसफार्मर स्कीम फॉर द फार्मर्स, ये आपका महाराष्ट्र के द्वारा लाया जा रहा है। बुक का नाम आपका क्या है, विनिंग लाइक सौरभ एंड थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली, ये आपका कौन ऑथर है इसका, अभिरूप भट्टाचार्य। फर्स्ट एवर मेटल क्राफ्ट एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे है और ये पर्टिकुलर प्लेस फिलहाल अभी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर मेटल क्राफ्ट एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन द चीलिंग विलेज ऑफ डैश, चीलिंग विलेज आपका कहाँ है, चीलिंग विलेज आपका लेह में है, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर।
India secured what position among the world largest economy, overtaking France, according to the World Bank data on gross domestic product of countries for 2017 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का पोजीशन आपका क्या है, सिक्स्थ है, और ये किसको ओवरटेक किया है, फ्रांस को ओवरटेक किया है। BSNL launched India's first internet telephony service. What is the name of this service? इस सर्विस का आपका नाम क्या है? इस सर्विस का नाम आपका विंग्स है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया धरोहर भवन, द न्यू हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन विच सिटी, ये आपका कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नीति आयोग ने प्रपोज किया एक 15-पॉइंट एक्शन प्लान नेम डैश, आपको नाम बताना है, फॉर कॉम्बैटिंग एयर पॉल्यूशन इन 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए जो 15-पॉइंट एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान का आपका नाम क्या है, ब्रीथ इंडिया। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इनॉग्रेटेड ए कैंटीन इन विजयवाड़ा टू मार्क द लॉन्च ऑफ मच अवेटेड डैश कैंटीन इन वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट। जो आंध्र प्रदेश में ऐसा कैंटीन बन गया उसका नाम क्या है, अन्ना कैंटीन। इंडिया पोजिशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का पोजिशन क्या है, इंडिया का पोजिशन आपका 57th है। MOU was signed by the Indian Army and which bank on defense salary package? Defense salary package के लिए Indian Army और State Bank of India के बीच में MOU साइन हुआ है आपका। उस स्टेट का आपको नाम बताना है जो पर कैपिटा रेवेन्यू कलेक्शन में जीएसटी अंडर द जीएसटी टॉप्ड पोजिशन पे है। टॉप पोजिशन पे आपका कौन है, हरियाणा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए डिजिटल कैंपेन थिंक फॉर हेल्थ कॉलिंग फॉर आइडियाज टू इंप्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर इन इंडिया विद पार्टनरशिप ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंस्टिट्यूटेड ए 10 मेंबर कमिटी टू रिव्यू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 को रिव्यू करने के लिए कमिटी बना, उस कमिटी के आपका हेड कौन है ये पूछा जा रहा है। कमिटी के हेड कौन है आपके, इंजेती श्रीनिवास। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड I am not afraid of English initiative from class 1 in the state primary school, ये initiative आपका हरियाणा के द्वारा लिया गया है। I am not afraid of English. SBI and NABARD have joined hand to provide collateral free credit in which state, ये भी आपका तेलंगाना में ही initiative किया गया, SBI और NABARD का आपका ये initiative है। उस इंडियन ओरिजिन 8 साल के बच्चे का आपको नाम बताना है हु हैज बीन नेम्ड द ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर फॉर हिज अचीवमेंट इन योगा, उसका नाम क्या है, ईश्वर शर्मा। संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, म्यूजिक इंस्टीट्यूटेड बाय द म्यूजिक एकेडमी, संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए चुना गया है अरुणा साईराम को। पौधागिरी आपका एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन है, कैंपेन है जो कि लॉन्च हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा टू इंक्रीज ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट, तो आपका यहां सही आंसर क्या हो रहा है, पौधागिरी इज रिलेटेड टू हरियाणा। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर कि जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था इसे कौन जीता था, किसे हराकर जीता था, और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, ठीक है, कौन इस कौन सा कंट्री से होस्ट कर रहा है, और अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था ये कौन सा एडिशन था, ये एडिशन आपका 21st था, और 22nd एडिशन आपका कहां पर हो रहा है, ये मतलब ये मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से। राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर इन द वर्ल्ड इन डैश, पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो लार्जेस्ट वीजा सेंटर होगा और ये ढाका बांग्लादेश में किया गया इसका इनॉग्रेशन। वॉलमार्ट और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर फर्म है जिसने 5 साल के लिए पार्टनरशिप किया है टू टेक ऑन अमेज़न इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड रिटेल, और ये आपका पार्टनरशिप वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है।
किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल और उसका नाम है आभार आपकी सेवा का फॉर द ऑनलाइन पेंशनर्स ऑफ द स्टेट, और ये छत्तीसगढ़ के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया है। उस स्टेट गवर्नमेंट का आपको नाम बताना है जिसमें अप्रूव किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, दैट इज MIS, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एप्पल। ये आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा अप्रूवमेंट किया गया है। उस स्टेट पुलिस आपका नाम बताइए जिसने डिसाइड किया है टू हायर डिजिटल वॉलेंटियर्स टू कंट्रोल द इशू ऑफ र्यूमर एंड एलिमिनेट इलीगल एक्टिविटीज। ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस का आपका ये इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ISA 68th मेंबर आपका कौन सा बन गया है, कौन सा वो कंट्री है जो 68th मेंबर बन गया है, वो कंट्री आपका कौन है, म्यांमार है। विच बैंक हैज ऑब्टेन्ड द रेगुलेटरी नोट फ्रॉम RBI टू ओपन ऑफिस इन बहरीन, कुवैत एंड सिंगापुर। इन तीनों जगह पर ऑफिस ओपन करने के लिए सहमति मिल गई RBI से, वह आपका बैंक कौन सा है, दैट बैंक इज फेडरल बैंक। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवे मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RRTI इंडेस, ये आपका कहां हुआ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ट्राइबल एटलस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राइबल एटलस ऑफ विच स्टेट वॉज रिलीज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ मैप्स एंड स्टेटिस्टिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ हाईलाइटिंग द ट्राइबल डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट, ये आपका उड़ीसा के द्वारा लाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड ए MOU विथ विच कंट्री टू ऑब्टेन हेल्प इन इनहेंसिंग ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द इंडिया। ये यूनाइटेड किंगडम के साथ आपका हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहेंस करने के लिए इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच आपका पार्टनरशिप हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना में देखिए एक क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट हैज कट द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर द अकाउंट टू ₹10 फ्रॉम अर्लियर ₹1000। ₹1000 पहले था लेकिन अब घटाकर उसे ₹250 कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल न्यू डिजिटल, अच्छा एक देखा जाए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपका इंडिया में हुआ है और यह किसके, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये कहां पर है, ये पूछा जा रहा है, ये कहां है आपका, न्यू दिल्ली में है। 197 कम्युनिकेशन विच रन्स पेटीएम हैज अपॉइंटेड फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर एज एन एडवाइजर। ठीक है, ये आपके कौन है, RS गांधी। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विथ सॉफ्टवेयर जायंट फॉर फ्लड फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो ये आपका जो एंटिटी है, किस एंटिटी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जायंट है, ये आपका गूगल है। तो CWC का गूगल के साथ आपका पार्टनरशिप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है फॉर फ्लड फॉरकास्टिंग। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इट वॉज रिकमेंडेड अ 5-pronged strategy project SASAKT to deal with the non-performing asset in the country banking system. NPA से deal करने के लिए एक project बनाया गया SASAKT। इस SASAKT project का जो आपका committee का head है, या फिर बोल सकते हैं आप किसके chairmanship के अंदर ये हो रहा है, तो ये कौन है, सुनील मेहता committee। वाया वंदना योजना में आपका increase किया गया है time limit को, जो time limit increase हुआ है वो आपको बताना है क्या है। May 2018 से लेकर March 2020 तक इसे इंक्रीज किया गया है। UN सेक्रेटरी जनरल हैज डिक्लेयर्ड विच डिकेड एज द नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस। नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस 2019 से लेकर 2028 के लिए दिया गया है। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री विच विल एक्ट एज अ लोकेटर ऐप गिविंग कॉमन पीपल टू फाइंड द फाइनेंशियल सर्विस टच पॉइंट एट ए गिवन लोकेशन इन इंडिया। ये जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है, जन धन दर्शक। द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज फीचर्ड इन द फॉर्ब्स इंडिया फर्स्ट टाइकून ऑफ टुमारो लिस्ट ऑफ 22nd यंग अचीवर्स इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस एक्टिंग एंड स्पोर्ट्स, ये कौन है आपका, PV सिंधु। 4-day long
Lok Manthan 2018, a national literacy and the intellectual conference inaugurated by Vice President. Ye kaha aapka hua tha? Ranchi, Jharkhand. Which metro rail network has become India's second largest metro rail network after Delhi? Delhi ke baad second largest kaun hai? Delhi ke baad aapka Hyderabad hai. Hyderabad Metro Rail. Ek financial news hai, dekhiye, Reserve Bank of India increased the facility to avail liquidity for liquidity coverage ratio from the existing of 11% to 10% of their deposit. Apne deposit ka pehle 11% tha, ab kya ho sakta hai wo 13% tak with effect from 1st of October. 1st October se hi ye lagu aapka ho gaya, 13% kar diya gaya 11% se bada ke. The Indian who received the United Nations Champion of the Earth Award in Policy Leadership category, Narendra Modi. Who was announced as brand ambassador of Tribes India? Tribes India ke liye brand ambassador Mary Kom ko rakha gaya hai. Which city will host the first two new format Davis Cup final in 2019 and 2020? Ye aapka kaha? Madrid, Spain. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the army exhibition named Parakram Parv? Parakram Parv aapka Jodhpur, Rajasthan mein hua tha. Name the chairperson of the high level advisory group constituted by Commerce Ministry to look into the challenges of global trade. Surjit S. Bhalla. Make My Trip kis bank ke saath tie up kiya hai to launch a range of co-branded credit card. ICICI bank ke saath tie up hua hai. Ek bahut important aapke liye MCQ hai. The monument bagged the differently abled friendly monument award at the National Tourism Award 2016-17 ceremony in the New Delhi. Ye kaun sa monument ko aapka gaya hai? Ye aapka Kutub Minar hai. Where did India first corn festival held? Dekhi, agar ye Madhya Pradesh mein hai, hua tha, lekin Madhya Pradesh dekha jaye, to corn mein sabse jyada produce karne wala koi state hai, to wo kya hai? Madhya Pradesh. Aur ye Madhya Pradesh mein hua tha, Chindwara mein. Us initiative ka aapko naam batana hai, released by World Health Organization to support government in taking practical steps to accelerate progress on health, beat non-communicable diseases. Ye aapka kya hai? Safer. S-A-F-E-R. Ministry of Railway and Coal, Piyush Goyal has launched the first of its kind rail heritage digitization project of Indian Railway in collaboration with DAS. Dekhi, ye Indian Railway Google Art and Culture ke saath yo collaboration karke digitization jo project hai isko pura karne wala hai. Union Health Minister JP Nadda has declared conversion of DAS Primary Health Center and Sub Center into Wellness Center by 2022. Primary Health Center or Sub Center, ye lagbhag 1.5 lakh aisa jo centers hai, isko convert kiya jayega ek Wellness Center mein by 2022. To aapko year bhi yaad rakhna hai aur yahan par jitna conversion hoga wo bhi yaad rakhna hai. Which state tops the list of state with maximum penetration and asset under management according to the Association of Mutual Fund of India? Dekhe, Mutual Fund of India ke according dekha jaye to Maharashtra sabse top hai. Which state government inked a pact with Portugal in field of water supply, wastewater management and sanitation for a period of 2 years? Ye aapka Goa hai. Kis state assembly ne declare kiya hai cow as a rashtriya mata or the mother of the nation? Ye Uttarakhand ke dwara aapka hai. Ministry of Ayush inaugurated an Ayush information cell at the Indian embassy in which country? Ye aapka Romania mein kiya gaya hai, Ayush information cell. Which PSU, public sector undertaking, adopted the Char Minar in Hyderabad under the Swachh Iconic Places project? Ye aapka NTPC ne kiya hai adopt Char Minar ko.
Which bank launched a first of its kind new deposit scheme to fetch rupees 1000 crore from the scheme named Green Future Deposit? जो आपका स्कीम का नाम है वो क्या है? Green Future Deposit. और पहला ऐसा इनिशिएटिव है किसी बैंक के द्वारा, वो बैंक आपका यस बैंक है. Which Indian state unveiled the world first ever thermal battery on August 2018? August 2018 में पहला ऐसा स्टेट जिसने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला थर्मल बैटरी, ये आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा है. What is the rank of India in men's hockey team? Latest जो आपका ranking आया उसमें men's hockey team India का position क्या है? India का position 5th है और top position पे आपका क्या है? Australia है. First Olympic to deploy facial recognition technology to increase security. आपका ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा. The government has announced that it would implement committee report to improve living standard of farmer and upliftment of the farm sector. अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो अभी बहुत न्यूज में है स्वामीनाथन का रिपोर्ट. स्वामीनाथन के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर को इंक्रीज करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए. PayPal has partnered with which bank to offer safer, faster and convenient payment experience to the bank card holder? ये आपका HDFC bank के साथ PayPal का partnership हो रहा है. Where did India External Affairs Minister Sushma Swaraj inaugurate Mango Festival organized by Government of Uttar Pradesh? ये आपका Uzbekistan, that is Tashkent में हो रहा है. Where was one district One Product Summit inaugurated by President Ramnath Kovind? देखिए बहुत अच्छा है ये One District और One Product जो है ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आपका इनॉग्रेट किया गया था. अब उसी से एक और आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि which firm has partnered with उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू MSME entrepreneurs across the 9 district as a part of One District One Product Scheme? और आपका अमेजन के साथ पार्टनरशिप हुआ है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का. Bank has become the first bank in India to introduce iris scan authentication feature for Aadhaar based transaction through its micro ATM tablet. और ये आपका कौन है? Axis Bank है. देखिए Vibrant Gujarat Summit से बिल्कुल एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही. और जो थीम है ये एक्चुअली आपका 18th of January से 20th जनवरी तक हो रहा है, लेकिन आपका थीम क्या है ये आपको याद रखना होगा. ये आपका थीम क्या है? शेपिंग ऑफ अ न्यू इंडिया. पहला इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट विकिपीडिया एडिशन इन इट्स ऑन स्क्रिप्ट, और वो संथाली है आपका. विच सिटी हैज टॉप्ड द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स एज वर्ल्ड मोस्ट प्लीजेंट सिटी टू लिव इन? ये आपका ऑस्ट्रिया का है. ऑस्ट्रिया में सिटी वियना है, वही आपका मोस्ट प्लीजेंट सिटी में आया है. Which city has topped the ease of living index 2018? City की बात है, city मैं बोल रहा हूँ. City top ease of living index 2018 released by Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri. ये city आपका कौन है? पुणे है. Most live ease of living index में. Union Minister of Science and Technology Harshvardhan inaugurated the National Wildlife Genetic Resource Bank, which is India's only lab for conservation of endangered species in which city? ये आपका कहाँ है? हैदराबाद. A1 category स्वच्छ रेल रैंकिंग में कौन सा स्टेशन टॉप पोजीशन पे है? ये आपका जोधपुर राजस्थान है. जोधपुर राजस्थान A1 कैटेगरी के स्वच्छ रेल रैंकिंग में टॉप है, जो कि क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी में है. ब्रांड एम्बेसडर फॉर रोड सेफ्टी कैंपेन के लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. देखिए होलोग्राम बेस्ड कलर जो आपका कोडेड स्टिकर ऑन व्हीकल यूज किया जाएगा, उसमें डीजल के लिए आपका जो कलर रखा गया है वो क्या है? ऑरेंज कलर है. आप मुझे ये बताइए कि पेट्रोल और सीएनजी के लिए क्या कलर रखा गया है? कौन सा स्टेट है जो पूरा सितंबर मंथ को एज ए मंथ ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व किया था? वो स्टेट आपका कौन है? राजस्थान है. देखिए जो सवाल है ये सवाल बिल्कुल आपको दिखेगा,
बिल्कुल दिखेगा कि आपका न्यू एटीएम का जो रिफिलिंग का जो मतलब टाइम टेबल आया है वो बिल्कुल आप लोगों को आना है, और जो नया टाइम टेबल आया है वो आपको ये बताया जा रहा है कि अर्बन एरिया में 9 PM रखा गया और जो रूरल एरिया है उसमें 6 PM रखा गया है। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि रूरल एरिया के लिए, तो रूरल एरिया के लिए आपको पता है 6 PM, और यही चीज अर्बन अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 9 PM। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्रपोज टू सेटअप ए साइक्लोन वार्निंग सेंटर इन इंडिया वेयर, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में। एक फिर बैंकिंग से रिलेटेड है, इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2018 जो 23 अगस्त और 24 अगस्त दोनों दिन पे हुआ था 2018 पे, ये कहां पे हुआ था? ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। एक देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच बैंक वाज रेटेड एज ए नंबर वन स्टेट ऑन बैंक इन टर्म ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एज पर अ रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में जो आपका टॉप पोजीशन पे है वह बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेटिंग मिला है। वेयर वॉज इंटरनेशनल कलर वाटर कलर फेस्टिवल हेल्ड? वाटर कलर फेस्टिवल आपका रांची झारखंड में हुआ था। सेंटर अनाउंस्ड ए स्टेट ऑफ आर्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट फॉर विच सिटी, और ये कर देने से इंडिया के पास पहला ऐसा यूनिट बन जाएगा जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का रहेगा। ये कहां पर आपका हो रहा है? बेंगलुरु में। ओके, सो आज हम लोगों ने ये टोटल 200 क्वेश्चंस को देखा। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कीजिए। और मैं इसके बाद जो सेशन के साथ रहूंगा वो लाइव रहूंगा, और 500 क्वेश्चंस एक ही सेशन में मैं आप लोगों का ले लूंगा, और वो 500 बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा इसी 1500 करंट अफेयर्स एमसीक्यू से। और वो सेशन में मे बी 15th या 16th पे ले लूं, मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा उसके लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन रहेगा। और अभी तक मैंने जो भी एमसीक्यूज कराया है उसी में से कलेक्शन रहेगा, ये 1500 में से कलेक्शन रहेगा, और बिल्कुल आप लोगों का ये रिवीजन आप लोगों को एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा, अगर मिल रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हम सब मिलते हैं एक 500 एमसीक्यू के सेशन के साथ।